नमस्कार, लीड इंडिया टीवी में आज कलाकार ऑर्केस्ट्रा के फाउंडर एंड चेयरमैन माननीय दत्ता कोहली जी पधारे हुए हैं। दोस्तों, ये एक म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं और इन्होंने संगीत के क्षेत्र में बहुत कार्य किया है। इनके कंपोज किए हुए गाने दूरदर्शन पर बजे हैं और बहुत हिट भी रहे हैं। एक वक्त ऐसा था कि कलाकार ऑर्केस्ट्रा हिंदुस्तान कहले या विदेशों की धरती पर इनकी गूंज दुनिया को पता चलती थी। आज हमारे आपके बीच में दत्ता कोहली साहब आए हुए हैं और मैं इनके बारे में और बता दूं कि इन्होंने तकरीबन 1000 लाइव शो किए हुए हैं और उसके साथ 5000 इन्होंने कार्यक्रम का आयोजन किया हुआ है। उसके साथ ही साथ इनके सौभाग्य में फिल्म फेयर अवार्ड का भी कार्यक्रम कलाकार ऑर्केस्ट्रा ने लोगों को दिया है। तो आइए हम इनसे ही जानते हैं पहले इनका जीवन परिचय। तो दत्ता साहब, आप अपना जीवन परिचय बताइए, अपने लाइफ के बताइए, आप कहाँ से हैं और किस तरीके से आपके मतलब बचपन से लेके और अभी तक की यात्रा में आप हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए। नमस्कार, मेरा नाम दत्ता कोहली। वैसे बेसिकली मैं मछुआरे परिवार से हूँ। हमारा प्रॉपर मैं पनवेल गांव से हूँ जो न्यू मुंबई में आता है, वही मेरा जन्म हुआ और वहीं से मेरी शुरुआत हुई म्यूजिकल लाइफ की। मेरे पिताजी वो हमारे गांव के मुखिया थे और बहुत खूबसूरत भजन सिंगर थे अपने ज़माने के। उनका नाम था महादेव बुआ। तो उनके संगीत के विरासत से मुझे ये पनाह मिली और मुझ में भी संगीत का लगाव शुरू हुआ। मैं पनवेल में मेरे मामा, मेरे चाचा, हमारा पूरा खानदान संगीत से ताल्लुक रखता था। मगर गांव के हिसाब से ही था, कई लोग बैंड बजाते थे, कई लोग कवाली में ही करते थे, कुछ लोग, मेरे पिताजी भजन के अच्छे थे, उनकी भजन की एक पार्टी थी, मंडल था उनका, उसमें वो काफ़ी फेमस थे। उनके साथ मैं प्रोग्राम में जाता था, कार्यक्रम में जाता था और मुझे भी वहीं से लगाव शुरू हुआ। और जब मुझे समझने लगा तो मेरे मामा ने मुझे पहले बैंड में लेके जाना शुरू किया। उससे मुझे बैंड में क्लैरोनेट, सैक्सोफोन, ट्रम्पेट, जो ढोल ड्रम होते हैं, वो सब मुझे बजाने का सिखा दिया। फिर मैं वैसे उनके साथ प्रोग्राम करने लगा, तब तक मेरी शिक्षा पूरी हो गई और मुझे फिर वो ऑर्केस्ट्रा में काम करने का एक उत्साह प्राप्त, ये उत्साह क्या कहते हैं उसको, मुझे ऐसे लगा कि मैं ऑर्केस्ट्रा में अभी काम करूं। तो वेरी एक दिन ऐसा था कि पनवेल में एक बहुत बड़ा साई संस्थान है, वहाँ के आप नारायण बाबा आप जानते हैं, उनके साई मंदिर का इनॉग्रेशन था। उस इनॉग्रेशन में हमारा गीत गंगा ब्रास बैंड, जिसका मैंने खुद का मेरा बैंड था, वो मैंने ही सबको वो इंस्ट्रूमेंट दिला के सबको सिखा के एक उपजीविके का साधन बना दिया। और उसी बैंड के साथ मैं साईं बाबा मंदिर में मेरा बैंड बजाने का काम चालू था। और वही एक डोंगोली के मेरे अच्छे मित्र थे, मिस्टर शिरीष कीर्तन है, जो बहुत ही बढ़िया अकॉर्डियन प्लेयर है और उस ज़माने में उनका गोल्डन हिट नाम का ऑर्केस्ट्रा हुआ करता था। तो उन्हीं को मेरा बजाना बहुत पसंद आया
और मुझे मैंने भी पूछा क्या ऑर्केस्ट्रा में मेरे काम करोगे, मेरा अच्छी बात है करूँगा, पर मुझे उसका कुछ नॉलेज नहीं है, मैं बैंड सिखाता हूँ, बैंड बजाता हूँ, ये सब कर सकता हूँ, ऑर्केस्ट्रा में कभी मैंने बजाया नहीं। फिर कुछ नहीं, उन्होंने मुझे एड्रेस दिया और अपने घर बुला लिया। भरी बारिश में मैं चला गया और उधर मेरा उन्होंने इंटरव्यू लिया, मेरा बजाना देखा, उससे काफ़ी वो प्रभावित हुए और उन्होंने मुझे गणेश जयंती के प्रोग्राम दिए, वो थे अकोला में। और अकोला जाने के लिए मैं कभी गया नहीं था और मेरी तो इतनी अच्छी घर की तो हालात अच्छे नहीं थे, मुझे ही पैसे की ज़रूरत थी। और फिर उन्होंने उस ज़माने के नंदू दांडेकर नाम के एक संगीतकार हुआ करते थे वालकेश्वर में, उनका वो ट्रिप था और उसमें हमारा ग्रुप सिलेक्ट हुआ था और उनके साथ में चला गया। ये बात है 1970 की बात है, 1968-70 की बात है। उस टाइम में हमने अकोला में प्रोग्राम करके हम आ रहे थे, उसी में काफ़ी पहचान हो गई। फिर बम्बई में बोले आपको बम्बई में आना पड़ेगा रहने के लिए, ऐसा पनवेल से आप डाउन नहीं कर सकते आप, तो मुझे उन्होंने एक पेइंग गेस्ट के तौर पे एक रूम दिलाया डोंबिवली में। फिर अगल बगल कुछ बैंड के मुझे उन्होंने ट्यूशन दे दिया, जिसके शिकोनी कहते हैं, मैं बैंड को पढ़ा हुआ था, उनके गाने बिठाना, उससे मेरा घर चलता था। तो ऐसे करते करते उस टाइम में मुझे होटल ताज में एज ए सेक्सोफोन प्लेयर जैसे एक दो महीने का काम मिला, जिसका कोई गांव जा रहा था उसने मेरे को सब्सिडी करके वहाँ भेज दिया और मैं वहाँ से डोंबिवली से हमेशा मिट्टी अप डाउन करता था, लेट लास्ट गाड़ी में आता था और शाम को वहाँ चला जाता ड्यूटी पर। ऐसे करते करते वहाँ से मुझे सब लोग की पहचान हो गई। ऐसे करते करते बाद में मुझे रविंद्र जैन जी, महेंद्र कपूर, उषा मंगेशकर, येसुदास जी, ऐसे काफ़ी उस जमाने के सिंगर, हेमलता जी, जब चित्चोर, राम श्री गंगा में, ऐसे बड़े बड़े पिक्चर आए थे, वो गाने हमने सेट किए थे। तो मैं दादाजी के साथ, दादा रविंद्र जी के साथ काफ़ी काम करते हैं, शो बहुत किए उनके साथ, कुछ बिहार, कलकत्ता, बनारस, बलिया, पटना, नेपाल। उस टाइम में नेपाल के शो में उदित नारायण जी से मुलाकात हुई। फिर बहरानपुर में हमारा शो था, उस दौरान मेरी मुलाकात सुरेश वाड़कर जी से हुई, वो हमारे उस शो में, दादा के शो में गाने आए थे। ऐसे करते 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 काफ़ी शो हो गए, फिर मुझे अपने आप में कॉन्फिडेंस आने लगा। उस टाइम में रविंद्र जी के सब, मतलब आना जाना सब मैं उनको हेल्प करता था, तो उससे थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया। फिर मुझे दिमाग में ऐसा हुआ कि चलो अपना खुद का एक ऑर्केस्ट्रा चालू करते हैं, और नाम हुआ कलाकार। 74 में मैंने जब बैंड का ओपनिंग किया था, तभी मैंने अनाउंस किया था कि 1984-85 में मैं मेरा खुद का प्रोग्राम करूँगा, जिसका नाम हुआ कलाकार ऑर्केस्ट्रा। और वो कलाकार ऑर्केस्ट्रा का पहला ओपनिंग शो मैं शनमुखानंद में ही करूँगा। सब लोगों ने मजाक बनाया मेरा, बोले आप पनवेल से है और 10 साल में क्या करोगे आप, मगर मेरा गोल सही था, विजन बहुत बड़ा था। तो तब तक मेरे वालिद गुजर गए, मेरे पिताजी चले गए, मेरे अंकल चले गए, मेरे आंटी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मुझे बहुत मतलब प्रोत्साहित किया और मुझे सब सपोर्ट करके बोले आप करो, हम घर का देखेंगे। ऐसे करते करते मैं बोट सैंक्शन हुई मेरी NCDC से, और उसमें मेरे परिवार मेरा चलता था। फिर वही बोट के साथ मुझे 2 पैसा भी मिले। फिर मैंने तय किया कि मैं एक अपना ग्रुप अभी बना सकता हूँ। तो मैं फिर चला गया शनमुखानंद दोहार, उस टाइम में काफ़ी महंगा था, मगर मेरी माता जी क्या बोली कि आप, और आंटी बोली, अगर आपको प्रोग्राम करना है तो आप प्रोग्राम करेंगे तो ये बोर्ड कौन संभालेगा, तो ऐसे लड़की से शादी कर जो अपने समाज से, मछुआरे समाज से होगी, जिसको मच्छी बेचना आता होगा
और तू बाहर चला गया कम से वो बोट का हमारा बिजनेस संभाल सकती है। मेरी जो सहचारिणी है, अर्धांगिणी है, उन्होंने काफ़ी मुझे साथ दिया, उनके भरोसे मैंने बोट ये करके मैं मेरा प्रोग्राम चालू किया। पर मेरी माताजी और आंटी का, मेरे चाची का कहना था कि आप अगर ये नया प्रोग्राम शुरू कर रहे हो और ये बिजनेस धंधे के तौर पे कर रहे हो तो आपको इसकी शुरुआत अपना जो साल शुरू होता है नारली पूर्णिमा बोलते कहते हैं उधर, उसे कहते हैं मुंबई में, उसी दिन दरिया में नाली छोड़ देना, बोले मैं ये बिजनेस ये करके मैं मेरा नया बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, मुझे आप आशीर्वाद दो। तो दरिया सागर ने मुझे अच्छा आशीर्वाद दिया और 29 अगस्त 1985 में शनुगान हाल बुक किया गया था, उस दिन मैंने शो का अनाउंस किया, उससे 3-4 महीने पहले अनाउंस किया और फिर मैंने पूरा उसका नियोजन बनाया। और मेरे दिमाग में एक बात आई कि मैं तो अकेला हूँ बम्बई में, मुझे कोई पहचानता तो है ही नहीं, और मैं उस दौर में कुर्ला में रहता था, तो उसके बाद में पेइंग गेस्ट हुआ, मैं शिवाजी पार्क आ गया, चाइनीज़ गार्डन नाम का एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट अभी बहुत प्रसिद्ध है, वहाँ मैं पेइंग गेस्ट था, वहाँ से मैंने शुरुआत की। वहीं मुझे सुधीर सिन्हा, जिनका नाम सुधीर खानविलकर है, उनसे पहचान हो गई और मैंने उनको ऑफर दिया कि मेरा घर नहीं है, तुम्हारा घर है, आप मेरे पार्टनर बनो। उसी टाइम में उसने माँ ने कहा था कि वो इंटरेस्टेड नहीं है, आप उनको एज ए आर्टिस्ट रख सकते हो, बोले ऐसा मुझे आर्टिस्ट नहीं चाहिए, तो बाद में वो कन्फर्म हो गए। और फिर नौबत आई पैसे कौन निकालेगा, मेरे पास तो पैसे तो होते थे, बोर्ड का बिजनेस था, बोले मैं खर्चा करूँगा, तुम मुझे सिर्फ साफ दो, मैं तुमको आर्ट दूंगा। तो ऐसे दौरे पे हमने शो शुरू किया। उस दौर मेरे साथ मैं खुद सुधीर सिन्हा, सुधीर खानविलकर, कृष्णा कामत जो बहुत उस दौर के बहुत अच्छे गिटारिस्ट, बेस गिटार, लीड गिटार, एकॉस्टिक गिटार, जो बाद में आकाशवाणी पे रिकॉर्डिस्ट थे, म्यूजिक कंपोजर थे, अब वो रिटायर हो गए। फिर एक था दीपक चोपड़ा जो बबला में गाते थे मुखर्जी की आवाज़ में, और एक बहुत हरपन मौला कलाकार जिसका नाम है यूनुस, मोहम्मद यूनुस, जिसे जूनियर किशोर नाम से पूरी दुनिया जानती है। ऐसे हम 5-6 लोगों ने मिलकर ऑर्केस्ट्रा शुरू किया। बाद में सब लोग आहिस्ता कुछ ऐसे हो गए जिसमें को निकल गए और मैं और सुधीर हम दोनों उधर रह गए। और आज तक शनुखान हॉल में जब बाला साहब ठाकरे आए थे प्रोग्राम में, इनाग्रेशन में, तो मैं जिस दिन उनको मिलने गया था तो बोले मैं तो आपको जानता नहीं, आप शिवाजी में रहते हो ऑर्केस्ट्रा, मैं इतना बुलाता, मैं उनको डैडी बोलता था कि मेरे डैडी थे नहीं, तो मेरे पिताजी ने मुझे बताया था और मेरे अंकल ने बताया था, चाचा ने, कि अगर बम्बई में आपको पैर जमाना है और बम्बई में आपको अगर एंटरटेनमेंट में राज करना है तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा, या तो बाप बनो या तो बाप बनाओ। तो मैंने ये लास्ट की लाइन पकड़ ली, मैंने बाला साहब जी को बना बाप बनाया, मेरा डैडी, आप मेरे हाथ से डैडी है, मैं आपको डैडी बोलूँगा। जब तब से मैं उनको डैडी बोल रहा हूँ, बोलना शुरू किया, तब इंडस्ट्री में उनको सब डैडी डैडी बोलने लगे और इस बात का उनको बहुत गर्व था कि ये लड़के ने मुझे डैडी बोला, तब से सब इंडस्ट्री मुझे डैडी बोल रही है। तो बातों से मैं जाता था उनको, मैं गया तो बोला आपको मैं जानता नहीं, बोला डैडी आप एक ही मेरे शो में आ जाइए, इनॉग्रेशन कीजिए, मेरी इच्छा है, आप आएंगे मुझे तो कोई जानता नहीं है, मगर इतनी 100-200 शाखा है, वो शाखा को मैं सबको पास बांटूंगा फ्री में, और इनके सबके वर्धापन दिन होते हैं साल में एक बार, अगर मुझे उनको अच्छा लगा तो वो मैं मुझे प्रोग्राम देंगे, ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी मैंने अपनाई थी। और मैंने डैडी को बोला कि अगर आप आते हो तो उसी बहाने सब शाखा प्रमुख आएंगे, उनकी फैमिली आएंगी, उनके काफ़ी लोग आएंगे और मेरा हॉल पूरा फुल हो जाएगा, संभाल सकती है। मेरी जो सहचारिणी है, अर्धांगिणी है, उन्होंने काफ़ी मुझे साथ दिया, उनके भरोसे मैंने बोट ये करके मैं मेरा प्रोग्राम चालू किया। पर मेरी माताजी और आंटी का, मेरे चाची का कहना था
कि आप अगर ये नया प्रोग्राम शुरू कर रहे हो और ये बिजनेस धंधे के तौर पे कर रहे हो, तो आपको इसकी शुरुआत अपना जो साल शुरू होता है नारली पूर्णिमा बोलते कहते हैं उधर, उसे कहते हैं बम्बई में, उसी दिन दरिया में नाल छोड़ दिया, बोले मैं ये बिजनेस ये करके मैं मेरा नया बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, मुझे आप आशीर्वाद दो। तो दरिया सागर ने मुझे अच्छा आशीर्वाद दिया और 29 अगस्त 1985 में शमयुगान हॉल बुक किया गया था, उस दिन मैंने शो का अनाउंस किया, उससे 3-4 महीने पहले अनाउंस किया और फिर मैंने पूरा उसका नियोजन बनाया। और मेरे दिमाग में एक बात आई कि मैं तो अकेला हूँ मुंबई में, मुझे कोई पहचानता तो है ही नहीं, और मैं उस दौर में कुर्ला में रहता था, तो उसके बाद में पेइंग गेस्ट हुआ, मैं शिवाजी पार्क आ गया, चाइनीज गार्डन नाम का एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट अभी बहुत प्रसिद्ध है, वहाँ मैं पेइंग गेस्ट था, वहाँ से मैंने शुरुआत की। वहीं मुझे सुधीर सिन्हा, जिनका नाम सुधीर खानविलकर है, उनसे पहचान हो गई और मैंने उनको ऑफर दिया कि मेरा घर नहीं है, तुम्हारा घर है, आप मेरे पार्टनर बनो। उसी टाइम में उसने माँ ने कहा था कि वो इंटरेस्टेड नहीं है, आप उनको एज ए आर्टिस्ट रख सकते हो, बोले ऐसा मुझे आर्टिस्ट नहीं चाहिए, तो बाद में वो कन्फर्म हो गए। और फिर नौबत आई पैसे कौन निकालेगा, मेरे पास तो पैसे तो होते थे, बोर्ड का बिजनेस था, बोले मैं खर्चा करूँगा, तुम मुझे सिर्फ 7 दो, मैं तुमको 8 दूंगा। तो ऐसे दौर पे हमने शो शुरू किया। उस दौर मेरे साथ मैं खुद, सुधीर सिन्हा, सुधीर खानविलकर, कृष्णा कामत जो बहुत उस दौर के बहुत अच्छे गिटारिस्ट, बेस गिटार, लीड गिटार, एकॉस्टिक गिटार, जो बाद में आकाशवाणी पे रिकॉर्डिस्ट थे, म्यूजिक कंपोजर थे, अभी वो रिटायर हो गए। फिर एक था दीपक चोपड़ा जो बबला में गाते थे मुकेश जी की आवाज़ में, और एक बहुत हरपन मौला कलाकार जिसका नाम है यूनुस, मोहम्मद यूनुस, जिसे जूनियर किशोर नाम से पूरी दुनिया जानती है। ऐसे हम 5-6 लोगों ने मिलकर ऑर्केस्ट्रा शुरू किया। बाद में सब लोग आहिस्ता कुछ ऐसे हो गए जिसमें को निकल गए और मैं और सुधीर हम दोनों ही उधर रह गए। और आज तक शमयुगान हॉल में जब बाला साहब ठाकरे आए थे प्रोग्राम में, इनाग्रेशन में, तो मैं जिस दिन उनको मिलने गया था तो बोले मैं तो आपको जानता नहीं, आप शिवाजी में रहते हो ऑर्केस्ट्रा, मैं इतना बोला था, मैं उनको डैडी बोलता था कि मेरे डैडी थे नहीं, तो मेरे पिताजी ने मुझे बताया था और मेरे अंकल ने बताया था, चाचा ने, कि अगर बम्बई में आपको पैर जमाना है और बम्बई में आपको अगर एंटरटेनमेंट में ऑर्केस्ट्रा में राज करना है तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा, या तो बाप बनो या तो बाप बनाओ। तो मैंने ये लास्ट की लाइन पकड़ ली, मैंने बाला साहब जी को अपना बाप बनाया, मैं बोला डैडी आप मेरे आज से डैडी है, मैं आपको डैडी बोलूँगा। जब तब से मैं उनको डैडी बोल रहा हूँ, बोलना शुरू किया, तब इंडस्ट्री में उनको सब डैडी डैडी बोलने लगे और इस बात का उनको बहुत गर्व था कि लड़के ने मुझे डैडी बोला, तब से सब इंडस्ट्री मुझे डैडी बोल रही है। तो बातों से मैं जाता था उनको, मैं गया तो मैंने आपको मैं जानता नहीं, बोला डैडी आप एक ही मेरे शो में आ जाइए, इनॉग्रेशन कीजिए, मेरी इच्छा है, आप आएंगे मुझे तो कोई जानता नहीं है, मगर इतनी 100-200 शाखा है, वो शाखा को मैं सबको पास बांटूंगा फ्री में, और इनके सबके वर्धापन दिन होते हैं साल में एक बार, अगर मुझे उनको अच्छा लगा तो वो मैं मुझे प्रोग्राम देंगे। ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी मैंने अपनाई थी और मैंने डैडी को बोला कि अगर आप आते हो तो उसी बहाने सब शाखा प्रमुख आएंगे, उनकी फैमिली आएंगी, उनके काफ़ी लोग आएंगे और मेरा हॉल पूरा फुल हो जाएगा। सर्म धर्म स्वभाव हिसाब से पूरा शो का डिज़ाइन बनाया था। शुरू में ओम पूर्णमदम से प्रोग्राम प्रार्थना शुरू होती थी, फिर अल्लाह अकबर अजान होती थी, फिर ओ जीसस ब्लेसस करके कॉयर होता था और चर्च की बेल बज के प्रार्थना एंड होती थी। काफ़ी लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया कि बाबा साहब ये आ रहे हैं तो ये आप नहीं बोल सकते, बोले ऐसा नहीं मैं करूँगा, क्योंकि अगर मैं शो सर्वधर्म समभाव हिसाब से कर रहा हूँ और वो शो कॉस्मोपॉलिटन लोगों के लिए कर रहा हूँ तो मुझे ये टेक्निक करना ही पड़ेगा सर,
तो उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, बल्कि मुझे उन्होंने पूछा ऐसा किया, तो मैंने पहले अनाउंसमेंट कर दिया कि छत्रपति शिवाजी महाराज जिन्होंने कभी धर्म चाप पंथ भेद कभी नहीं जाना, उनके यहाँ सभी लोग करते थे, तो वही मैं उनके ही वास्तव से चल नक्शे कदम पर चल रहा हूँ। और ये प्रार्थना एकदम सुपर डुपर हिट हुई। फिर मेरी टाइटल म्यूजिक जो मैंने कंपोज किया था, आज तक ऐसी टाइटल म्यूजिक बनी ही नहीं है जो पूरे भारतवर्ष में पूरे विश्व में बहुत मशहूर है और सबको वो बायार्ट है। आज कोई भी म्यूजिक कोई भी म्यूजिशियन है उस दौर का, ऐसा कोई म्यूजिशियन नहीं मिलेगा जिसको मेरा टाइटल म्यूजिक याद नहीं है। इसका तरीका उसका वजह यह है कि वो टाइटल म्यूजिक में ट्रेन से लेके प्लेन से लेके हवाई जहाज से लेके बोट से लेके सबका इफेक्ट था। और तो और देश के सभी जितने भी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के रिदम राज्य वहाँ के रिदम वहाँ का संगीत उसमें हमने जमाया था और वो 3 साल का टाइटल एकदम सुपर डुपर हिट हो गया। अच्छा दत्ता जी, बॉन्स्टर कलाकार। अच्छा दत्ता जी, एक सवाल है, एज ए म्यूजिक डायरेक्टर का ब्रेक आपको कैसे मिला और कौन सा पहला आपका था? देखिए मैं जिक्र करना चाहूंगा, आज जो मेरे इंटरव्यूअर है साहिल साहब डायरेक्टर है, वो इस चीज के गवाह है। इनके और हमारे हृदय हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त जिनको मैं गुरु मानता हूँ, जिनको मैं सुभाष घाई की जगह देता हूँ, इनको ब्रिजभूषण जी साहिल, इन दोनों से मुझे हमारे एक मित्र थे जो मेरे यहाँ कोंगो बजा रहे थे, जो मुजफ्फरपुर के थे, अंबर अरुण, जो आज है या नहीं मुझे पता नहीं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, है तो जहाँ है वो खुश रहे, पर उनके जरिए से ही मुझे वो पहला ब्रेक मिला। भूषण जी ने मुझे गाना दिया कि अपने भारतवर्ष को हम स्वर्ग बनाएंगे, पेड़ लगाएंगे, फल फूल उगाएंगे, और यकीन ना मानो वो एक चांस उन्होंने दिया मुझे, और वो गाना हमने मैंने कंपोज किया, उसका म्यूजिक बनाया, उसका अरेंजमेंट किया था बाबा जागीरदार, जो आज के जमाने के अच्छे अरेंजर हैं, प्रोग्रामर हैं। मैं किसी को नहीं भुला हूँ, मुझे कलाकार में जिसने हेल्प किया उनको भी वो सब मुझे याद है, और मुझे ब्रेक देने में जिन लोगों का सहयोग रहा, जैसे नीरज गौतम, काफ़ी लोग हैं जो मुझे जानते हैं अच्छी तरह से, चित्राश्रम नाम से प्रोग्रेशन ने मुझे चांस मिला, और मेरा बच्चों के गाने माता पिता के ऊपर और संस्कार के ऊपर गाने जो बने वो बहुत चले, और ये मेरी क्योंकि जो है पेड़ लगाएंगे अपने भारतवर्ष को हम स्वर्ग बनाएंगे, पेड़ लगाएंगे, फल फूल उगाएंगे, ये क्विकी टीवी के लिए आती थी दिल्ली दूरदर्शन से, और ये सुपर डुपर हिट हो गई। और इसका कारण ये था कि कलाकार में हमारे डुप्लीकेट काफ़ी काम करते थे, जैसे जूनियर अनिल कपूर, जूनियर रजनीकांत, ऐसे काफ़ी जूनियर लक्ष्मीकांत बेरड़े और बाकी लोग, इनको हमने वो गाने में इंक्लूड किया। मगर उसका एक किस्सा आपको सुनाता हूँ, वो बहुत एक ऐसी दुर्घटना उस टाइम में हुई थी जब माहौल दंगल का माहौल था, और जोगेश्वरी में वो जो चाल है उस दिन उस रात उसका हादसा हुआ था, और उसके जस्ट सुबह सुबह वो शूटिंग थी, ब्रिजभूषण जी ने वो शेड्यूल बनाया था, और वो शूटिंग में मैं मेरे बच्चे मेरी फैमिली भूषण जी की फैमिली साहिल साहब सब अंबर अरुण सब लोग वहाँ वहाँ पहुँचे, तो उन्होंने मुझे आइडिया दिया, मगर वो आइडिया सुपर पर हो गया। आज आरिफ खान जो जूनियर अनिल कपूर है, रजनीकांत जो साउथ के स्टार है उसके जूनियर, फिर लक्ष्मीकांत बोर्डे रोहित करके है, राहुल, वो सब ने काम किया और वो क्योंकि सुपर पड़े, मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इतना अच्छा मुझे देख दिया, और वहाँ से मेरा करियर शुरू हुआ म्यूजिक डायरेक्टर। अच्छा दत्ता साहब, अभी आज की पीढ़ी के लिए आप ऑनलाइन स्कूल खोलने जा रहे हैं, तो जरा उसके बारे में बताइए कि आपके ऑनलाइन स्कूल में बच्चों को किस किस तरह की शिक्षा दी जाएगी और उसकी क्या
आपका विजन है वो बताइए। देखिए आजकल जमाना चेंज हुआ है, जनरेशन चेंज हुआ है और टेक्नोलॉजी भी बढ़ गई है। आज के माहौल में बच्चे इतने बिजी हो गए हैं कि फेस टू फेस वो ज़्यादा वक्त नहीं दे सकते हैं। इस वजह से मेरे जो क्लासेस चल रहे हैं, पलावा में मेरी क्लास है, मेरे पवेली में क्लास है, मैं विजिट भी करता हूँ, कंसल्टेंसी करता हूँ, तो हमारे जो मैंने जिक्र किया साहिल जी है, उन्होंने मुझे आइडिया दिया, बोले साहब आप अपना एक ऐप बना लीजिए और ऑनलाइन ट्यूशन चालू कीजिए, इससे आप घर घर पहुँचेंगे और आपका जो विजन है वो सक्सेस हो जाएगा और आप उस जरिए से काफ़ी कलाकार तैयार कर सकते हैं, उनको आप प्रोग्राम में भी ले सकते हैं। अच्छा एक आखिरी सवाल, आज की न्यू जनरेशन जो है उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं संगीत और गायन के लिए, और क्या शिक्षा लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? आजकल बच्चे क्या होते हैं कि फिल्मों के गाने सुन के याद कर लेते हैं और उन्हें लगता है कि हम गायक बन गए हैं, तो आज के जनरेशन के लिए आप अपना संदेश दीजिए, मेरा आखिरी सवाल है। देखिए साहिल जी, एक वो जमाना था जहाँ मेलोडियस गाने बना करते थे, आज भी बहुत अच्छे संगीतकार आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, मगर उसका टेक्नोलॉजी चेंज हुआ है जिसको कहते हैं ट्रीटमेंट। आजकल गाने को ऐसा ट्रीटमेंट दिया जाता है और वो सब अपडेट पीपल है, वो जो जनरेशन है अपडेट लोग हैं। मैं जो नए लोग अभी आना चाहते हैं लाइन में, सिंगिंग करना चाहते हैं, गायन करना चाहते हैं, कुछ बजाना सीखना चाहते हैं, उनसे मैं यही कहूँगा कि आप प्रॉपर लोगों से गाइडेंस लो, जिनको जो अपडेट भी है और बैकडेट में भी हिट थे, जिनके पास एक्सपीरियंस भी है, प्रेजेंटेशन भी है और उनको अपडेट नॉलेज भी है। अगर दोनों तरफ से आप अगर जिनको ये दोनों चीज़ आती है उनसे अगर आप गाइडलाइन प्रॉपर गाइडलाइन लेते हैं तो आप जल्दी तरीके कर सकते हैं, इसमें करियर बना सकते हैं, क्योंकि अभी एक करियर हो गया है म्यूज़िक, ये अभी कोई ऐसा मामूली काम नहीं रहा। आप जानते हो रियलिटी शो इतने आ रहे हैं जिसमें कितने सिंगर आते हैं पर बजाने वाले बहुत कम आते हैं, वो सब पुराने लोग होते हैं। ये क्यों होते हैं? क्योंकि बजाने के लिए सीखने के लिए काफ़ी वक्त लगता है। सिंगिंग होने के बाद आजकल गाना सुन के गए, गाना तो आता है पर गाना और अच्छा सिंगर बनने के लिए मैं तीन बात बोलूँगा। पहली बात, आपको शिक्षा लेनी पड़ेगी, रियाज करना पड़ेगा। दूसरी बात, प्रॉपर गाइडेंस लेना पड़ेगा और रियाज भी करना पड़ेगा। तीसरी बात, आपको वेल इक्विप्ड होना पड़ेगा। आपके पास मोबाइल होना चाहिए, आपके पास नेटवर्क होना चाहिए, आपके पास हर जगह जाने के लिए वाहन होना चाहिए, क्योंकि अगर आप सुविधाजनक नहीं हो गए तो आपको कोई भी इस लाइन में चांस देना कम है। मैं आपको एक सवाल पूछ रहा हूँ साहिल, आप वेल इक्विप्ड लोगों को पहले देंगे या जो जिनके पास कोई भी नहीं, सिर्फ गाना अच्छा है? नहीं नहीं, निश्चित जो जिसके पास ज्ञान है और प्राइमरी जो कहते हैं कि संगीत के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि उसके प्राइमरी एजुकेशन उसके पास होनी चाहिए, तो इंसान उसी को पहले ब्रेक देता है, इसलिए कि उस चीज़ों को समझता है, संगीत को समझता है, संगीत की गायकी को समझता है और वो सही तरीके से अपनी आवाज़ को दुनिया के सामने ला सकता है। और एक बात ये भी कहना चाहूँगा साहिल जी मैं, कि आज का जनरेशन बहुत तेज है, बहुत शार्प है, उनका आईक्यू बहुत हाई है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं कर सकते, वो कर सकते हैं, पर सुनना पड़ेगा, गाने सुनने पड़ेंगे, कोई कैसा गाता है वो भी देखना पड़ेगा, उस पर ऑब्जर्व करना पड़ेगा, उसमें अपना मनन करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, उन्होंने कैसे गाया है। नकल तो सभी करते हैं पर नकल तो असल करना और अपनी पहचान बनाना ये भी एक कला है और वो गुरु शिष्य परंपरा से ही हो रहा है, क्योंकि संगीत ये भारतीय संस्कृति का एक अभिनय अंग है, अभिनव अंग बोला जाएगा, क्योंकि संगीत एक ऐसी चीज़ है कि संगीत से आप पूरे आपके दुख सुख सब आप सहन कर सकते हैं,
संगीत ऐसी जादू की छड़ी है जिससे आप अपने सब गम भूल सकते हैं। और मैं और एक बात बोलना चाहूँगा कि मैं आज जो भी हूँ, जिस मकाम पे हूँ, मेरे बच्चे जिस मकाम पे हैं, उसका मैं सारा श्रेय मेरे अच्छी परवरिश को, मेरी माता, मेरी आंटी, मेरे अंकल, मेरे पिताजी, और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट, मेरे सब मित्र। आई डू ओनली सर्कल, फ्रेंड सर्कल। मुझे अच्छे दोस्त, सच्चे दोस्त और प्रॉपर गायन करने वाले दोस्त, आज उनके साथ मैं 50 साल से जुड़ा हुआ हूँ, ऐसे मेरे दोस्त हैं। इनका नाम है मिस्टर प्रमोद कड़ू, सुरेश कोहली, महेंद्र नाचणकर, प्रभाकर पाटिल, सुधीर शिंदे और मैं खुद। जैसे बम्बई में ये मेरे बचपन से लेके मेरे कॉलेज से लेके मेरे स्कूल से लेके सब तक उन्होंने कुछ किया नहीं, मगर मुझे वो हमेशा एक मोटिवेट करते रहे कि आप ये करो, आप ये करो, मुझे हर एक चीज़ प्रोवाइड करते रहे, नॉलेज करते रहे। आज ही मेरे एक दोस्त है मिस्टर कड़ू, वो किसी भी आर्टिकल को म्यूजिक पे आते हैं, वो कट करते हैं, मुझे पोस्ट पे भिजवा देते हैं, ये पढ़ो ये पढ़ो, ये भी एक मोटिवेशन हुआ ना सर। जी जी, अगर सच्चे दोस्त अच्छे दोस्त होंगे तो आप सही ढंग से जा ही सकते हैं। धन्यवाद दत्ता साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और अपने अपनी बात रखी, और बहुत जल्द हम अपनी तरफ से जो है आपको हम शुभाशीष देते हैं कि बहुत जल्दी आपकी जो है ऑनलाइन म्यूजिकल स्कूल कलाकार ऑर्केस्ट्रा के नाम से शुरू हो, जिससे कि सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीख सके। मैं अपने दर्शकों के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जिन भी विद्यार्थियों को शिक्षा ग्रहण करनी है वो हमें मैसेज कर दें, और बहुत जल्द जो है उस ऐप का लिंक आपको मिल जाएगा। और इसी तरीके से लीड इंडिया टीवी अपने स्टूडियो में नए नए लोगों को बुलाता रहता है, उनका जीवन परिचय करवाता है, और आपको अच्छी खबरों के साथ, अच्छे लोगों के साथ अच्छी मुलाकात करवाता है। इसी के साथ जय हिंद।